हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वैदिकन यूट्यूब चैनल। दिस इज श्वेता प्रेजेंटिंग यू वर्कआउट विद स्वाय। सो गाइस, खूब एकदम अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम रफ्तार पकड़ने वाले हैं और रफ्तार पकड़ेंगे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आए हैं 2019-20 में। खूब मज़े से हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये, क्या चुपचाप से हमें देख रहे हैं ऐसे। आइए देख लो, जब हम फन क्रिएट करते हैं ना तो हमें डबल याद होते हैं। कैसे? खुशी खुशी में याद करो, ये डबल याद होंगे। तो देख लो भाई, पहले ही मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों को ऐसे ही मेरी बात पर सुनते जाओ, बस आपको पक्का से पक्का याद हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट क्या होती है? हमारी मुट्ठी, और मुट्ठी को हमने कस के बांध लिया, कस के पकड़ लिया। क्या नहीं कर रहे हम, उसको खोल ही नहीं रहे। हमने पैसे लिए, पैसे इसमें भर लिए और मुट्ठी को बंद कर लिया, मुट्ठी को बंद कर लिया, खोल ही नहीं रहे, खोल ही नहीं रहे। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर लो, हमने बंद कर ली ना तो कर दी। तो फिलहाल क्या कर दिया हमने, अपनी मुट्ठी को खोल दिया आपको समझाने के लिए। तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होगा? नैनी नॉट विलिंग टू स्पेंड और गिव मच मनी, स्टिंजी। स्टिंजी यानी कंजूस, जिसको आप कंजूस बोलोगे, मक्खी चूस बोलोगे। गाना सुने हैं, वे तू कंजूस है, वे पूरा मक्खी चूस है। तो मक्खी चूस जस्ट माना मक्खी चूस यानी क्या है, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। एग्जाम्पल देखो, दैट माई आंट इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट क्या है? एक हैंड विद द फिंगर्स क्लोज, हैंड विद द फिंगर्स क्लोज, दैट इज क्लोज फिस्टेड। भाई बहुत कंजूस होते हैं लोग, तो वो उनके मुट्ठी खुली नहीं रही है, उनसे पैसे निकल ही नहीं रही है, क्या पता हार्ड टाइम के लिए बचा के रखते हो। तो पहला याद हुआ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मैंने बोला था सिंपली सिंपली बस सुनते जाओ, सब कुछ याद होता जाएगा, बिल्कुल थकने वाली बात नहीं है। वो क्या विद्स में आप आए किस लिए हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड है आप बेड ऑफ रोजेस। भाई आपके लिए मैंने बेड लगा दिया, उस पर रोजेस डाल दिए, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है इसका, बेड ऑफ रोजेस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। देखा idioms में मतलब क्या होता है, चेंज होता है, जो वर्ड्स कह रहे हैं उससे अलग होता है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन और ऐसी एक्टिविटी जो कंफर्टेबल है। आप अब रोजेस पर बैठ के लेट के कुछ भी करके देखो, क्या है, बहुत ईजी है, आप करके तो देखो एक बार, आराम से बैठो तो क्या कर रहे हो, बहुत आसान काम कर रहे हो। अगर बेड ऑफ थ्रोन्स होता तो पता चलता जब कांटे चुभते, बट आप क्या है, रोजेज हैं उनकी जगह। तो एक ऐसी सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज़ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल सॉरी, इसको कंफर्टेबल नहीं पढ़ेंगे। देखो अगर आता है वर्ड कंफर्ट तो कंफर्ट पढ़ेंगे, अगर एबल लगा दिया तो कंफर्टेबल, तो क्या हो जाता है, कंफर्टेबल। तो एक ऐसे सिचुएशन और एक्टिविटी दैट इज़ कंफर्टेबल और इजी, एक ऐसी सिचुएशन दे दी, एक ऐसी एक्टिविटी दे दी, क्या है वो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा इजी। एग्जांपल को देख लो, मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। क्या कह रहा है, मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सो वेक अप अर्ली 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 एंड गो बैक टू वर्क। अर्ली अर्ली मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है ख़राब, जिसको हम चेंज नहीं कर रहे। तो चेंज करो, डेली सुबह उठो, योगा करो, पूरी जो फ्रेश एयर होती है उसको कंज्यूम करो, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस हो गया आसानी सी कोई भी चीज़, आसान सी कोई चीज़, बहुत ईजी। नेक्स्ट देखो, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब क्या है? भाई बुल आया, सांड आया, सांड के आपने क्या किया, आपने बुल के दोनों सिंग पकड़ लिए। यही कहता है, दोनों सिंग पकड़ लिए, क्योंकि उसको कंट्रोल करना क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। इसका ओरिजिन भी यही कहता है कि अमेरिका में जो रेंचर्स होते हैं, रेंचर्स क्या होते हैं, जो बुल इनको संभालते हैं, तो उन रेंचर्स ने क्या करना था, बुल को कंट्रोल करना था। तो कोई भी तरीका नहीं था कि उनको कंट्रोल किया जा सकते उस प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो क्या करते थे, उनके हॉर्न्स को पकड़ते थे, उनके सिंगों को पकड़ते थे। यानी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उसको पूरी डिटर्मिनेशन से और ब्रेवरी से सोल्व करो, तब आपको पता चलेगा कि क्या हॉर्न्स पकड़ने हैं, कान पकड़ने हैं, गर्दन पकड़नी है, क्या पकड़ना है, ठीक है। तो ऐसे याद हो गया, टेक द बुल बाय इट हॉर्न्स। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। क्या कर रहे हो आप, मरे हुए हॉर्स को क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मर चुका है, आप उठेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठेगा। भाई कितनी भी कोशिश कर लो, ना उसको दर्द होगा ना वो उठेगा, दर्द नहीं हुआ तो उठेगा कैसे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ तो उठेगा कैसे। आप अपनी बहन को उठाओ, अपने भाई को उठाओ, एक मार के देखो, आपको बैक में आपको उसका पूरा रिटेलिएट मिलेगा, पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन,
तो गाइज एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, एक बार लगा के देखना आपको वापस मिलेगा कुछ ना कुछ, तो डबल होके भी मिल सकता है। तो फिलहाल फ्लो का डेड हॉर्स का मतलब क्या है, वेस्टिंग वन्स एफर्ट एंड वेस्टिंग टाइम। जब उसने उठना ही नहीं है तो आप उसको क्यों मार रहे हो, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अपने एफर्ट क्यों वेस्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल देखो, देर इज़ नो यूज ट्राइंग टू कीप दिस बिजनेस गोइंग, इस बिजनेस को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर लो, कितना ही कुछ कर लो, वर्किंग कैपिटल बढ़ा लो, फिक्स कैपिटल बढ़ा लो, फिर भी ये बिजनेस नहीं चलने वाला। वी आर फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स, यानी हम किसी ऐसे हॉर्स को मार रहे हैं जो मर चुका है। हम उसको बोल रहे हैं चल उठ खड़ा हो, बट वो क्या हो चुका है, वो मर चुका है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना। मेरी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगे, आप ऐसे ही खूब मस्ती मस्ती में सीखते रहेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही था, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।